रियल नंबर, आज हम लोग ना रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स होता क्या है, ये क्लास 9 का एक टॉपिक है। ये 2013-14-18 तक के सेशन में इस चैप्टर को रियल नंबर के नाम से दिया जा रहा था, लेकिन अभी इसको नंबर सिस्टम से दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो रियल नंबर को हटा दिया गया है, अभी आपको दिया जा रहा है नंबर सिस्टम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग रियल नंबर को भी समझ लेते हैं, रियल नंबर होता क्या है। बोलता है हिस्ट्री क्या है रियल नंबर का, बोलता है द पाइथागोरियंस इन ग्रीस, ठीक है। द पाइथागोरियंस, तो पाइथागोरस के बारे में आपको पढ़े होंगे, जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। पाइथागोरस कौन थे, तो वो ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने हमें इसका मतलब, पाइथागोरस का एक थ्योरम था हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था किनका, ये पाइथागोरस का ही ये फॉर्मूला था। उसके बाद हम लोग द पाइथागोरियंस इन ग्रीस, ग्रीस कहाँ पे, ग्रीस एक प्लेस है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न यूरोप में एक प्लेस है ये ग्रीस। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस इरेशनल्स इन 400 BC। 400 BC में इन्होंने पहली बार इरेशनल्स के बारे में बात की। तो हम लोग पता है दो तरीके का संख्या होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इसके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी पहले इतना ही जानते हैं कि द पाइथागोरियंस इन ग्रीस, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीस का है, तो साउथ ईस्ट यूरोप का एक प्लेस है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इरेशनल्स इन 400 BC। इनका ये हिस्ट्री है, ये रियल नंबर का हिस्ट्री है। तो बोलते हैं जर्मन मैथमेटिशियन सेंटर एंड डिडिकाइंड सोल्ड इन 1870 दैट क्रॉस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है, ध्यान रखिएगा, जितने भी रियल नंबर, रियल मतलब क्या होता है, जो वास्तविक है उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो जितने भी रियल नंबर है, देयर इज अ पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन, तो उस रियल नंबर के बीच में भी रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, ये इनका कहना था। एंड क्रॉस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट, और हर एक पॉइंट पे, ठीक है, क्रॉस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट द नंबर लाइन, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, और वहां पे भी कोई ना कोई एक यूनिक रियल नंबर होता है। किसी भी दो यूनिक रियल नंबर के बीच में रियल नंबर होता है, ठीक है, क्रॉस्पॉन्डिंग टू द रियल नंबर, इट्स अ यूनिक रियल नंबर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे समझाता हूँ, मान लीजिए 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में बहुत सारा रियल नंबर है ये, ठीक है, ये इन्फिनिटी है, तो इसी को उन्होंने बताने का प्रयास किया था। हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं समझाते चला जाऊंगा। बोलता है द ग्रीक जीनियस आर्किमिडीज 476 to 550 AD कंप्यूटेड डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पाई। तो इन्होंने पहली बार किसी भी डिजिट को डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या किया, कैलकुलेट किया, ठीक है। जैसे कि देयर्स ही सोल्ड 3.14 0845 ग्रेटर देन पाई से ये ग्रेटर है, और ये 3.14 2857 इससे ग्रेटर है। तो ये उन्होंने कुछ ऐसा ट्रिक्स को दिया था, ये इसका हिस्ट्री थी आपका रियल नंबर की। तो मैंने आपको अभी तक तो बस आपको ये चीज़ समझाया है, आपको नेक्स्ट धीरे धीरे मैं आपको पूरा इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि रियल नंबर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर ही है। जैसे आप इस चीज़ को देखें, पहली बार इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखा गया था, किन्होंने लिखा था इसे, तो ग्रीक जेनियस आर्किमिडीज, ठीक है। आपको पता है रामानुजन कौन थे, तो रामानुजन भारत के सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे, वो रामानुजन उसमें भारत में के सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे, आर्यभट्ट थे, रामानुजन थे, सीवी रमन थे, तो उसमें से एक हमारे रामानुजन थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1887, ठीक है, और उनकी डेथ कब हुई थी, 1920 में उनका देहांत हुआ था, इतने से इतने तक वो जीवित थे। तो उनका जो जन्म हुआ था वो चेन्नई में हुआ था, ठीक है, यहाँ पे जो चेन्नई का स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, यहाँ पे CHE होगा, ठीक है, CHE NNAI, ठीक है, चेन्नई कहाँ है, तो भारत में है, तो चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। वॉज एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई, उन्होंने पाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी। आज हम लोग पाई के बारे में पढ़ते हैं ना, 22/7
जैसे हम लोग अप्रोक्स लिखते हैं 3.14। अभी इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे ओकमेंडिस के बारे में, ओकमेंडिस के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी लिखा गया था वैल्यू, आप देख लो उसको। तो बोलता है क्या कि उन्होंने पहली बार मिलियंस ऑफ डेसिमल प्लेस निकाल के इनकी वैल्यू निकाली थी, मतलब एक डिजिट नहीं, मिलियंस ऑफ डिजिट, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, करोड़ के बाद मिलियन, तो वहां तक उन्होंने कैलकुलेट किया था इसकी वैल्यू को निकालने के लिए। यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था ये प्रीवियस सिलेबस का था, रियल नंबर का। अब हम हमारे यहाँ स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम, जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है नंबर सिस्टम, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर पता है क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स और नॉनेज नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर्स और नॉनेज नेचुरल नंबर, ये आप लोग क्लास सिक्स सेवन में पढ़, एट में भी पढ़े हो, तो नाइन्थ में भी यही है, 10, 1, 2, 3, 4 से ये स्टार्ट होता है, ये सब पूरा नेचुरल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद होल नंबर, तो होल नंबर क्या है, बोलता है होल नंबर, होल मतलब क्या होता है, पूरा, तो बस इसमें ऑल नेचुरल नंबर इन टुगेदर विद जीरो, मतलब जीरो के साथ जो नेचुरल नंबर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे, फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल द होल नंबर, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, मतलब नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये नेचुरल नंबर है, लेकिन जीरो क्या है, जीरो से जो स्टार्ट होगा उसे क्या कहेंगे, तो होल नंबर कहेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज का। रिमार्क्स में क्या दिया है, रिमार्क्स में बोलता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है में होल नंबर है, लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, तो जीरो इज होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। धीरे से आप ध्यान दीजिए इस चीज पे कि जितने भी आपका नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकते हैं, और जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकते हैं, सिवाय एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं, मतलब जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट जीरो, सिर्फ जीरो को छोड़कर, और जितने भी नेचुरल नंबर है वो तो होल नंबर है। उसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर्स, बोलते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर का पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, मान के चलिए ये वन है तो ये पॉजिटिव में है और माइनस वन ये नेगेटिव, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो, जीरो भी आएगा इसमें, बट जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा जीरो न्यूट्रल है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। न्यूट्रल मतलब पता है आप लोग प्लस माइनस फिजिक्स में पढ़ोगे नाइन्थ में ही जाके, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बोलते हैं ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो वही जो है वो इंटीजर्स का पूरा कलेक्शन है, क्या नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स, जैसे -5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3। टॉपिक है रिप्रेजेंट ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हम लोग किसी भी इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा आपको पहले एक लाइन बनाना है, फिर आपको क्या करना है, बीच में जीरो देना है, राइट साइड में आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो इधर क्या होगा पॉजिटिव नंबर होगा, ध्यान रखिएगा, और इधर क्या होगा आपके पास नेगेटिव नंबर होगा, इधर क्या होगा नेगेटिव नंबर, इधर होगा आपका लेफ्ट साइड, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इंटीजर्स को नंबर लाइन में शो करते हैं, मतलब दर्शाते हैं चाहे दिखाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आपके राइट साइड में क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा नेगेटिव इंटीजर्स होगा, ध्यान रखना है इस चीज का। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक रैशनल नंबर की तरफ में, रैशनल नंबर होता है, तो रैशनल नंबर हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, एट में भी पढ़े हैं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, बोलता है द नंबर ऑफ अ फॉर्म पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू क्या है, ये इंटीजर्स है, मतलब पी एंड क्यू क्या है आपके पास, ये इंटीजर्स है, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। फिर बोलता है एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो है ना ये नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन है, किसका साइन है, तो नॉट इक्वल टू का साइन है,
मतलब क्यू जो है आपका वो जीरो नहीं होना चाहिए आर नॉन एज रैशनल नंबर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ध्यान रखना है आपको बोला यह है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यदि पी जीरो हो गया तो क्या वो रैशनल नंबर होगा? जीरो बाय यदि हम वन लिखते हैं तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो हाँ ये रैशनल नंबर है, यस, बिकॉज ये पी है और ये क्यू है, तो क्यू हमारा वन है इसलिए रैशनल नंबर है। यदि क्यू हमारा जीरो रहता तो ये रैशनल नंबर नहीं होता। पहला चीज अब आप लोग समझिए, मतलब द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। जो रैशनल नंबर का कलेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू। जब आप लोग सेट्स पढ़ोगे ना उसमें आप कलेक्शंस के बारे में पढ़ोगे, तो ऐसे मैं बताता हूँ, जैसे 1/2 -5/2 इस तरीके का जो भी आपके पास कलेक्शन रहेगा उसे हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, क्यू से। ध्यान रखना है बोलता है पी बाय क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि जीरो के इक्वल हो गया, मान के चलिए 5/0 हो गया, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद द रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो। जो रैशनल नंबर है, जो रैशनल है वो किस वर्ड से लिया गया है, तो रेशियो से लिया गया। किससे लिया गया है, तो रेशियो से लिया है। एंड क्यू, क्यू कम्स फ्रॉम, क्यू कहाँ से आया, क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वोटेंट। किससे आया, क्वोटेंट से आया, दस, इसीलिए क्या बना ये 1/4। जैसे हम लोग लिखते हैं 1/4 को कैसे लिखते हैं, 1:4, तो ये क्या हो गया, रेशियो हो गया। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोगों को बताया गया होगा क्लास 8 में कि हम 1/4 को लिख सकते हैं 1:4, दैट मीन 1:4। आपको इसका कुछ पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट है कि एक ही रैशनल नंबर नहीं होता, बहुत सारा रैशनल नंबर होता है, मतलब इन्फिनेटली रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब अनंत रैशनल नंबर है, ठीक है। दूसरी पॉइंट याद रखना है कि ना ही कोई रैशनल नंबर बड़ा है, ना ही कोई रैशनल नंबर छोटा है। मतलब कि अब ऐसा नहीं कि छोटा स्मॉलेस्ट में गए तो आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा जो सबसे छोटा है, ऐसा नहीं है। और कोई भी सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट नंबर भी लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी है तो इसका तो अनंत है, मतलब कुछ मिलने जाने को तो आपको है नहीं। इसीलिए ना ही कोई सबसे छोटा रैशनल नंबर है और ना ही कोई सबसे बड़ा रैशनल नंबर हमको पता चलता है। जीरो रैशनल नंबर है या नहीं, तीसरा पॉइंट, जीरो रैशनल नंबर है या नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो रैशनल नंबर है। वाई जीरो रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या है, वन है। तो ये पी वाई क्यू के रूप में आ गया ना, यहाँ पे क्यू क्या हो गया हर बार वन। तो रैशनल नंबर ना होने का शर्त क्या है, कि क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो नहीं है तो वो रैशनल नंबर है, तो यहाँ क्यू जीरो थोड़ू ना है, यहाँ पे क्यू क्या है, वन है, यस। तो जीरो इज अ रैशनल नंबर, ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है क्या, कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। जितना भी रैशनल नंबर है, सॉरी, जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब रैशनल नंबर है, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर नंबर इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है वो क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि आप सभी को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान के चलिए मैंने लिखा 208, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो बन रहा है, तो आपका क्यू आ गया, वन के इक्वल आ गया, तो ये रैशनल नंबर ऑलरेडी है। दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, जितना भी इंटीजर है वो सब क्या है, रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स इंटीजर्स इज रैशनल नंबर, क्योंकि ये पहले भी बताया गया है रैशनल नंबर होता क्या है। तो इसीलिए जितना भी रैशनल नंबर है वो सब क्या है आपका, जितना भी इंटीजर्स है वो क्या है आपका, रैशनल नंबर। तो आप क्या समझे इससे, कि रैशनल नंबर में क्या क्या आता है आपका, रैशनल नंबर इंक्लूड्स, रैशनल नंबर इंक्लूड्स इंक्लूड नेचुरल नंबर एंड इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। इसीलिए हमको, हम लोगों को रैशनल नंबर पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाया जाता है, इस तीनों का डिफिनेशन, ठीक है। रैशनल नंबर ये तीनों चीज़ों का इंक्लूडेड, मतलब ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर्स, ये तीनों से मिलकर क्या बनता है, रैशनल नंबर बनता है। इसीलिए हम लोगों को स्टार्टिंग में ही इस चीज़ों को पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। हम लोग, अब मैं लग रहा है कि आपको यहाँ तक समझ में आई है। अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, जो आपका इक्वल हो उसे हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे समझिए, 2/4
3/6, 4/8, 5/10। अब आप बोलोगे सर ये इक्वल कैसे है, ये इक्विवेलेंट कैसे हुआ, यहाँ तो आपको कुछ इक्वल दिख ही नहीं रहा है। 2/4 और 3/6 तो इक्वल है नहीं, 4/8 और 5/10 इक्वल है नहीं, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट कैसे हुआ सर, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे हुआ। देखिए 2 1 2 और 2 2 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 3 3 2 6 कैंसिल आउट, 4 1 4 4 2 8 5 1 5 5 2 8। जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, मतलब 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6 4 1 4 4 2 8 5 1 5 5 2 10, तो ये क्या बन गया, देखिए अब सब इक्वल आ गया ना। तो ये जो नंबर था आपके पास, ये भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, ये भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, समझ गए। यदि मान के चलिए आपसे पूछ दे कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो सीधी सी बात है कि ये इक्विवेलेंट है। कैसे है इक्विवेलेंट, तो देखिए 17 1 17 17 2 34 18 1 18 18 2 36 देखिए 1/2 एंड 1/2 आ गया, हो गया ना इक्विवेलेंट, तो ये भी इक्वल है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट। अब ऐसा नहीं कि 3/2 रहे और 3/2 रहे तब भी इक्विवेलेंट, ऐसा जरूरी नहीं, आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के देख सकते हो। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या है, मान के चलिए जैसे अभी मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था 17/34, तो 17/34 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 17 17 17 34, तो 1/2, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आपको मान के चलिए किसी भी डिफिकल्ट का निकालना है, जैसे 3 4 3 बाय इसका 1 2, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, तो आप इसका एस सी एफ ले लीजिए, ठीक है। तो 12 12 2 24, ठीक है, 12 एट गया 96, तो क्या आ गया आपके पास 7, फिर यहाँ 12 कीजिए 7 1 7 5, 7 से डिवाइड कीजिए 5 1 5 2 से 5 कीजिए 2, आप यहाँ पे देखिए 1, तो इसका एस सी एफ क्या आ गया 1, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता। यदि आपके पास कोई भी बड़ा डिजिट हो जाए तो आपको कैसे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो पहला स्टेप में आप उसका एस सी एफ निकालिए, एस सी एफ निकालने के बाद जो आता है आप उसे डिवाइड कर दीजिए, आप आराम से उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, ये मैंने क्लास 8 में भी पढ़ाया है। उसके बाद रिप्रेजेंट ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन, मैं ये नहीं बताऊंगा अभी, अब जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा तो बता दूंगा, पहले आप इतना सा ही सिर्फ समझिए कि पॉजिटिव ये जहाँ पे जीरो होता है राइट साइड में, आपका राइट साइड में आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है नेगेटिव इंटीजर्स, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन। तो अभी कब करेंगे, अभी नहीं, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब। अभी चलिए हम लोग और भी टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे कि रैशनल नंबर को हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग रैशनल नंबर को फाइंड करेंगे, इसका 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेथड आपको कितना बताऊंगा मैं, 3 मेथड। मेथड 1 में क्या है, जब आपको किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर को फाइंड करना है, ठीक है, ओनली वन रैशनल नंबर को फाइंड करना है, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर रहेगा तो, ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। मान के चलिए आपका एक x एंड y आर रैशनल नंबर, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपका फॉर्मूला होगा 1/2 x प्लस वाई, ठीक है, ध्यान रखना है, जब आपको दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर को गेन करना है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, हाफ एक्स प्लस वाई। कैसे निकालेंगे, मान के चलिए आपका एक्स है 2 और वाई है 3, तो आपको एक इसके दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालना है, क्या करना है, हाफ 2 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 एंड 5/2। ये आपका पहला मेथड है जिससे कि आप लोग दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल सकते, ठीक है, मेथड 2 में चलते हैं हम लोग, ठीक है। रैशनल नंबर बिटवीन व्हेन डेनोमिनेटर्स आर सेम, रैशनल नंबर बिटवीन व्हेन डेनोमिनेटर
आर सेम, ठीक है। अब आपको रैशनल नंबर निकालना है जब उसका डेनोमिनेटर सेम हो। कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए आपको 5/8 एंड 6/8 के बीच में आपको 8 रैशनल नंबर को गेन करना है। कितना रैशनल नंबर, नंबर ऑफ नंबर्स कितना चाहिए आपको, 8 रैशनल नंबर आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 5/8 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आप कोई भी नंबर एक ले सकते हैं। तो हम क्या ले लें यहाँ पे, मान के चलिए आपको 8 रैशनल नंबर निकालना है ना, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 8 से इसको भी कर दीजिए, 8 से इसको भी कर दीजिए। 8 5 40 by 8 8 64, ठीक है। इसको भी वही कीजिए आप, 6/8 × 8/8 देन 8 6 48 by 8 8 64। अब आप 41 से 48 के बीच में जितना भी रैशनल नंबर आता है आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि आपको 8 रैशनल नंबर बोला तो हम 8 रखेंगे, ठीक है। 9 बोला तो 9 रखेंगे, 10 बोला तो 10 रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको 8 बोला तो आप यहाँ 8 ही रखिए, मेरा मन है 9 रखने का, तो हम 9 भी रख के निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि रैशनल नंबर इन्फिनिटी होता है, दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर आ सकता है, इन्फिनिटी आ सकता है। इसलिए आप लोग कुछ भी रख के इसको निकाल सकते हैं। जैसे हम निकालते हैं 41/64, 42/64, 43/64, 44/64, 45/64, 46/64, 47/64। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक आप निकाल लीजिए 48/64, ठीक है। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं 49/64, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ 40/64। आप लोग ऐसे निकाल के जितना रैशनल नंबर आपको चाहिए आप आराम से निकाल सकते हैं। अब मेथड थर्ड के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं लास्ट मेथड, मेथड थर्ड पे, कि हम लोग थर्ड मेथड से कैसे निकालेंगे। मेथड थर्ड में क्या है आपका, दो रैशनल नंबर होगा, मतलब रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, नंबर व्हेन डेनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, डेनोमिनेटर आर डिफरेंट, आर डिफरेंट। अब क्या होगा आपका, डेनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए 5/8 एंड 6/9 के बीच में निकालना है, आपका डेनोमिनेटर डिफरेंट है, तो क्या किससे निकालेंगे। तो पहले आपको निकालना है डी, ठीक है। तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, y ग्रेटर होना चाहिए x से, तभी आप लोगों को y से x को माइनस करना, अदरवाइज x बड़ा है तो आपको x माइनस y करना होगा। इस चीज का पहले आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद n प्लस 1, मतलब जितना नंबर आपको निकालना है, मान के लेट मान लीजिए मुझे 5 नंबर्स निकालना है इस दोनों रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, और देखिए मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। तो आपके पास d आ गया, तो d आने के बाद क्या होना होगा, x प्लस डी पहला रैशनल नंबर के लिए, दूसरा रैशनल नंबर के लिए x प्लस 2d, मतलब यहाँ पे 2 लगाए। अब तीसरा रैशनल नंबर के लिए x प्लस 3d, चौथा रैशनल नंबर के लिए x प्लस 4d, पांचवा रैशनल नंबर के लिए x प्लस 5d, ठीक है। तो आपको ये इन्फिनिटी चला जाएगा, आपको जितना मन चाहे उतना निकालते रहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस फॉर्मूला पे, और ये मेरा फेवरेट फॉर्मूला भी है, कहीं भी आपको गलत होने नहीं देगा, ठीक है। अब ये निकाल दिए। अब पहले हमको क्या चाहिए, वाई माइनस एक्स, ऐसा नहीं है ये वाई है, ठीक है, ये वाई है मानते हैं, लेकिन वाई कौन है जो बड़ा है। तो इस दोनों को पहले आप कंपेयर कीजिए, 5/8 and 6/9, 9 5 = 45, 8 6 = 48। अब इस दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है 48। अब निकालिए आप 48 नहीं लिखना है आपको, लिखना है 6/9 - 5/8 बाय कितना नंबर निकालना है, 5 + 1। तो 8 और 9 8 9 = 72, तो 9 8 = 72 और 8 6 = 48 माइनस 8 9 = 72, 9 5 = 45, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड 5 और 1 6, क्लियर यहाँ तक। अब चलिए क्या हो जाएगा, ये 3/72 कुछ नहीं तो 1 है इंटू 1/6 एंड 3 2 = 6, 1/72 2 = 4 और 7 2 = 40, 144। आपके पास डी निकल गया 144। अब आप निकालिए x प्लस डी, x क्या है आपके पास, यहाँ देखिए x आपके पास है 5/8 और d क्या है आपके पास 1 बाय
144, ठीक है। अब आप लोग अपने से निकालते रहिए, जब मैं एक्सरसाइज में जाऊंगा तब मैं आपको निकाल के बताऊंगा भाई। तो अब क्या है, आपका लेक्चर पार्ट होता है एंड, आप लोग चैनल से कनेक्टेड रहिए। अब नेक्स्ट डे हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू।